यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और एक वीडियो मेरे सामने आया, एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि नहीं मुझे भी। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे। हे गाइस, व्हाट्सअप, तो कैसे हो सारे? आई होप सारे मजे में हो। अगर नहीं हो तो वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का वीडियो थोड़ा आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहेगा। सो क्यों रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो बात ये है कि मैंने मोटो व्लॉगिंग क्यों चालू किया और किस वजह से चालू किया और किससे इंस्पायर होकर चालू किया। सो बने रहो, मैं आपको बताता हूँ कहीं और जाके। Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah. अभी बात करते हैं जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो को ओपन किया है। सो, मेरे मोटो व्लॉगिंग की बात करें तो एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और एक वीडियो मेरे सामने आया, तो वो वीडियो महात्मा जी टेक्निकल का था, हाउ टू बिकम अ व्लॉगर इन 2021। सो उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि व्लॉगर कैसे बने, तो मैंने उसको ओपन किया और मैंने थोड़ी देर देखा। उसके बाद में एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि नहीं मुझे भी स्टार्ट करना है। सो उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनका कोई फ्रेंड है जो स्कूटी पे मोटो व्लॉग करता है। सो मैंने भी सोचा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने मोटो व्लॉगिंग अपनी एक्टिवा से चालू किया था और अभी भी कर रहा हूँ। तो जब तक बाइक नहीं आएगी तब तक अपने स्कूटी से ही व्लॉग करेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि आप बाइक लेके ही अच्छा मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो, तो आप गलत सोच रहे हो। मैंने स्टार्ट किया है तो आप भी कर ही सकते हो। तो बाकी की बातें करते हैं मोटो व्लॉग करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा महात्मा जी टेक्निकल को कि उन्होंने ऐसा आइडिया दिया मुझे अपने वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये थी कि मोटो व्लॉगिंग व्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल खोलने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट चाहिए या बड़ा सा स्टूडियो चाहिए। ऐसा सब सोचने के बजाय आप अपने कंटेंट पर ध्यान दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। सो कंटेंट पे ध्यान दो, बाकी फालतू की बातों पे ध्यान मत दो कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास थोड़े पैसे थे तो मैंने ये एक्शन कैमरा ले लिया। आपके पास नहीं है तो आप लोग फ़ोन से भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो इस सब सोचने के बजाय आप लोग से आपको क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरे को लगता है। सो मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, सिर्फ कुछ करना आपको आना चाहिए। सो आप बिल्कुल कर पाओगे, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने भी ऐसा सोचा होता कि मेरे पास अच्छा बाइक आएगा
अच्छा कैमरा आएगा, सो उसके बाद ही मैं मोटो व्लॉग करूँगा, तो आज तक मैं कुछ कर ही नहीं पाया होता, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया होता। तो कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात आप ध्यान में ले लो कि कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला हो कुछ भी। सो सबसे डिफिकल्ट जो पहला कदम होता है वही होता है, उसके बाद में तो सब इजी लगता है। मेहनत करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे तो सीखोगे। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि गलतियां करो, अगर गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो सीखने के लिए गलतियां ज़रूरी है, पर एक चीज़ उसके लिए भी है कि सेम गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, दूसरी बार हो रही है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। सो बस मेरा मानना तो यही है। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये वाली सारी बातें ध्यान में ले लेना, सिर्फ स्टार्ट करो, बाकी पीछे का आगे का तो सब देख लिया जाएगा। सिर्फ एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए आप लोगों के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इक्विपमेंट है, ये है, वो है, सब बेकार की बातें हैं। सो आप लोग सिर्फ स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बताता हूँ कि आपको कोई भी इंस्पायर कर सकता है पर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो मोटिवेट तो आपको खुद से ही होना पड़ेगा, बाकी कोई आपको मोटिवेट कभी नहीं कर सकता है, कभी भी कोई भी। ऊपर से भगवान भी उतर जाएंगे तो भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। सो आपको कोई भी इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कोई आपको कभी नहीं कर सकता है। सो जो करना है आपको ही करना है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और एट द एंड एक ही चीज़ कहूँगा मैं, सिर्फ जज्बा और जुनून होना चाहिए, बाकी सब तो फोड़ लोगे आप लोग। और थैंक यू सो मच महात्मा जी टेक्निकल, आपकी वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया, वरना मैं नहीं कर पाता, मैं बाइक के चक्कर में रह ही जाता। और महात्मा जी टेक्निकल, अगर गलती से भी आप एक वीडियो देख रहे हो सो थैंक यू सो मच अगेन। तो यही नोट पे आज का वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो को कर देना शेयर। तो आपको मिलते हैं कल, बाय।